दहेज की मांग कर रहे दूल्हे सहित कई बारातियों को लड़की पक्ष वालों ने बंधक बना लिया, वो भी महज इसलिए क्योंकि लड़के पक्ष दहेज के तौर पर गरीब परिवार वालों से 25 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। घंटों चले विवाद में लोनी गाजियाबाद से आई बारात को बिन दुल्हन बेरंग लौटना पड़ा। घंटों तक बैंकेट हॉल में हंगामा चलता रहा, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला बल्कि बारात को वापस जाना पड़ा। दुल्हन पक्ष के मुताबिक दूल्हे वाले दहेज के तौर पर 25 लाख रुपए कर रहे थे, साथ ही शादी में दुल्हन को चढ़ाने के लिए घर से जेवरात भी नहीं लाए थे। नहीं ना 10 बजे, तो ये 10 बजे जब नहीं आए, इंतजार किया इनको, फोन किया भाई क्यों नहीं आ रहा है, इन्होंने दो बातें रखी, तो ये कि हमारे पास जेवर का इंतजाम नहीं है, बिल्कुल खाली है हम। दूसरे इनके लड़के के भाई ने 25 लाख की डिमांड रखी, अच्छा, और आने को मना किया बगैर जेवर के, बगैर पैसे के। इन्हें प्यार से दुलार के बुलाया कि चलो हमने इंतजाम कर लिया, आ जाओ। जब ये वहाँ से 12 बजे चले और यहाँ 5 बजे पहुँचे, जबकि इन्हें 11 बजे आ जाना चाहिए था। 5 बजे जब पहुँचे, हम मेहमान थे, सबको खाना खिलवा दिया मेहमानों को, सब मेहमान खाना खा के जाने लगे। जो मालूम जरूरी क्या बता दिया, उन्होंने मुलतवी कर दिया प्रोग्राम। अब वो आए तो उनसे बातचीत की, तो उनकी बातचीत में जो यहाँ के जिम्मेदार थे हमारी बिरादरी के, हलवाई बिरादरी के, उन्होंने बातचीत की, चेयरमैन साहब ने बात की, शमशाद भाई ने, बेबी मेम्बर जो है उन्होंने बातचीत की, तो पता चला कि वो 25 लाख की बात सही थी। वो कहने लगे हमने तो मजाक किया था, जेवर वाली बिल्कुल सही निकली, कोई जेवर लेके नहीं आए, जो निकाह होता है कम से कम जेवर पे, कम से कम चीज़ पे कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली आया। 25 लाख की बात को उन्होंने तस्लीम किया और जेवर को भी तस्लीम किया। सामान सब जा चुका था 4 दिन पहले, 2 महीने पहले तारीख तय हुई थी। जब से इन्होंने किसी भी तरह की कोई बात नहीं बताई कि हम शादी कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। आज सुबह से इन्होंने कहना शुरू करा हमारे पास कुछ नहीं है, हम बारात कैसे ला रहे हैं। बहुत प्यार से दुलार के जब इन्हें बुलाया, अब इनको बंधक बनाया और इनसे सामान मंगाने की बातचीत हुई। अब सामान लेने गए हैं ये, और जो हमारे 6 लाख रुपये खर्च हुए हैं वो इनसे मांगे जा रहे हैं। पुलिस में भी तहरीर देने के लिए लिख ली गई है तहरीर, चेयरमैन साहब जिम्मेदार हैं और मेम्बर साहब।